दोनों मिलकर हमको पागल बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, राजस्थान की अंजू ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। यहाँ तक कि अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से विवाह के लिए कोर्ट मैरिज करने के लिए इस्लाम भी कबूल लिया अंजू ने। अंजू ने अपना नया नाम फातिमा रखा है। जबकि कल से मीडिया में दोनों किस तरह से सबको पागल बना रहे थे कि हम दोनों के बीच प्यार व्यार कुछ नहीं है, शादी वादी कुछ नहीं होगी, शादी का हमारा कोई इरादा नहीं है, जस्ट हम तो फ्रेंड हैं, मिलने आई हैं, ये तो पाकिस्तान से। और जरा देखिए ये तस्वीरें उनकी सामने आ रही है। अंजू और नसरुल्लाह ने पाकिस्तान से ये वीडियो अपलोड किया है जिसमें बाकायदा दोनों शादी कर चुके हैं। यहाँ तक कि अंजू ने तो अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया है। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान अपने बॉयफ्रेंड के पास मिलने पहुंची अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और शादी कर ली है, अपना नया नाम फातिमा रखा है। दोनों ने पाकिस्तान के पेशावर के लोकल कोर्ट में शादी की है। 34 साल की अंजू फिलहाल अपने पाकिस्तान में 29 साल के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के साथ ही रह रही है। 2019 में दोनों के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी हैरानी और दुख की बात तो ये है दोस्तों कि अंजू भारत में अपने दो बच्चों को भी छोड़कर चली गई, और अंजू की भारत में पहले से ही शादी हो चुकी है, जिसका पति है अरविंद नाम का, उसको भी छोड़ दिया। और अरविंद को बिना तलाक दिए ही अंजू ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है, जो कि गैर कानूनन अपराध भी है। कल आपने अंजू का खुद का वीडियो देखा होगा जिसमें मीडिया में वीडियो जारी करते हुए कहती है कि मैं सीमा हैदर जैसी नहीं हूं, मैं यहां शादी करने नहीं आई हूं, 2-3 दिन रुकूंगी, वापस भारत आ जाऊंगी, वीजा खत्म होते ही। कितनी मतलब बनावटी बातें कर रही थी अंजू। अब इस मामले पर एक सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए अंजू को फंसाया? क्या सीमा हैदर का प्रतिशोध लेने के लिए पाकिस्तान ने ये साजिश रची? क्या अंजू का ब्रेन वॉश किया गया? क्या अंजू को जानबूझकर धर्म परिवर्तित करवाया गया? क्योंकि अंजू हिंदू है और उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर धर्म नहीं बदलूंगी। उसके बावजूद आखिर अंजू ने नसरुल्लाह के साथ शादी कैसे कर ली? ना सिर्फ शादी की बल्कि इस्लाम धर्म भी अपना लिया। देखा जाए तो ठीक इसी तरह की स्टोरी हमें सीमा हैदर मामले में देखने को मिलती है, जहां सीमा हैदर भी भारत आती है और मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेती है। लेकिन इन दोनों की कहानी में कुछ डिफरेंस अंतर जरूर है। सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई थी, जबकि इसके विपरीत अंजू अपने वीजा पासपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पाकिस्तान गई ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अच्छा दूसरी बात, सीमा हैदर अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, प्यार करती है, तभी तो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को भी लेकर सचिन मीणा के पास आई। लेकिन अंजू को देखकर ये लगता है कि मानो उसे अपने पति और बच्चों से कोई मोह नहीं है, कोई प्यार, कोई प्रेम नहीं है, तभी तो अपने बच्चों को प्रदेश में छोड़कर दूसरे मुल्क जा गई। और ना सिर्फ दूसरे मुल्क में गई बल्कि दूसरे मुल्क के दूसरे शख्स के साथ निकाह भी कर लिया। निकाह ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि अंजू ने अपना धर्म भी बदलकर, धर्म भी छोड़कर इस्लाम अपना लिया है। जबकि अंजू के पिता भी ये कह रहे थे कि वो ऐसी शादीवादी तो कुछ नहीं करेगी, हमारी लड़की ऐसी नहीं है, वो तो बस थोड़ी दिमाग से ऐसी है, थोड़ी सनकी टाइप की है, इसीलिए पाकिस्तान चली गई होगी, प्यार व्यार कुछ नहीं है दोनों के बीच में, शादीवादी नहीं करेगी। अरे 34 साल की उम्र में दो बच्चों को छोड़ के कोई प्यार करने की उम्र होती है क्या? हाँ अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि प्यार की तो कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन प्यार के साथ साथ समझ और दिमाग की तो कुछ उम्र होती होगी ना। मुझे तो ज्यादा सही सीमा हैदर लगी इससे बेटर तो, क्योंकि सीमा हैदर का पहले वाला पति गुलाम हैदर तो 3 साल से उससे मिला ही नहीं था, करे तो क्या करे बेचारी, अपने बच्चों को लेकर तो आई कम से कम भारत आई तो। जबकि अंजू को देखिए, पति था, परिवार में सब कुछ हंसी खुशी थे, दोनों अच्छे से रह रहे थे, दो बच्चे भी हैं, अब उनके तो सर से माँ की ममता का प्यार उठ गया ना, कौन संभालेगा उनके बच्चों को? अंजू की 15 साल की एक बेटी है, 6 साल का एक बेटा है। गलत लगता है या नहीं लगता आपको ये खुद बताओ, मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ, आपकी क्या राय है आप भी नीचे कमेंट करके बताना मुझे। लेकिन बड़ा दिल दर्द करता है दोस्तों जब समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि महिलाएं अपने परिवार, अपने पति, अपने इतने बड़े बच्चों को छोड़कर सिर्फ फेसबुक के प्यार के लिए दूसरे मुल्क पहुंच जाती है, और वो भी पाकिस्तान। इनके ऊपर जब असलियत की बीतती है ना, तब पता चलता है कि हाँ पहले वाला पति अच्छा था। बहरहाल आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करना ताकि समाज में लोगों को असलियत का पता चल सके, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।